से मिलना क्या जैसे मिले ही नहीं, जितने सुलगे हैं उतने जले ही नहीं। गुम है राहों में कांटों की छाओ में, हो गुम है राहों में कांटों की छाओ में, सितम गर ये कुर्बत क्या करे जो तेरा मेरा साथ है। सोई नहीं आप? जब तक आपकी सूरत ना देख लूं नींद कहां आती है मुझे। मैं एक टेंडर के रिजल्ट का वेट कर रहा था। अच्छा, फिर हरा के आ रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। गुड नाइट, आप सो जाएं। किसी चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप आराम करो, सईदा है ना मेरे पास। चाय? अरे वाह, आज तो खासा एहतमाम कर लिया है नाश्ते के लिए। जहमत तो नहीं होगी ना? हाँ जी, जहमत हुई, जैसे रोज नाश्ता आप बनाते हैं ना। आपको वैसे मैं अपना ही समझती हूँ, इसलिए इतनी जहमत गवारा कर लेती हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुमने मेरी जिंदगी में भरपूर साथ दिया अभी तक, और कभी अपने भाइयों के पैसों का रोब डालकर मेरी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं किया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? किस्मत, नसीब, फिर क्या नाशुक्र, और वैसे भी क्या नहीं है मेरे पास, आप हैं, उठना है, और इन हालात में सतात ना होने के बावजूद भी आप इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ा रहे हैं, ये क्या काम है? सब कुछ तो है मेरे पास, बस आप ये पराठा खाएं और जान बनाएं, खालिस घी का पराठा। ये हमारी लाडली रह कहाँ गई है? तैयार नहीं अभी तक, यूनिवर्सिटी को देर हो जाएगी। हाँ देर हो रही है, पता नहीं कहाँ है। उष्णा, मम्मा, पापा। या अल्लाह, खैर क्या हो? ओ, 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 क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? पापा वो मैं छत पर गई थी दुपट्टा उतारने के लिए। क्या किसी ने तंग किया मेरी बेटी को? तंग कौन करेगा, यहाँ तो अच्छे लोग रहते हैं, बताओ क्या हुआ? नहीं मम्मा, लोग तो अच्छे रहते हैं, लेकिन ये जो चूहे हैं ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते। क्या चूहा? जी बाबा, एक बहुत मोटा खाते पीते घर का चूहा मेरे पैर के ऊपर से गुजर गया। देखा उसने नाखून भी मारा पैर पे। तुमने जान निकाल दी थी हमारी। अरे मम्मा, जान तो मेरी निकल गई थी उस चूहे को देखकर। वो तो अच्छा हुआ कि मैं डर के मारे इतना जोर से चिल्लाई कि वो घबरा कर भाग गया, वरना उसने भरपूर कोशिश की थी मुझे जख्मी करने की। चले जाए बेगम, जाके कोने खुदरों में चेक करें, जरूर हमारी बेटी की चीख से चूहे को दिल का दौरा पड़ा होगा। बाबा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारी बहादुर बेटी एक चूहे से डर गई, मैं तो उस बात का सोच रहा था। हाँ तो जो भी है, चूहा तो चूहा ही होता है, डरना पड़ता है। चूहा तो चूहा ही होता है, नाश्ता कर ले, देर हो रही है। ओफो बाबा, एक तो आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपसे मैंने कहा था ना कि मुझे आज यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है, फिर देर होगी, मैं बस दो मिनट में आती हूँ, प्लीज गाड़ी निकाल लें। ओके, गड़बड़ी होगी भाई। मम्मा मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं, लेकिन चूहे और उसके खानदान से कभी दोस्ती नहीं हो सकती।
अल्लाह ने बचा लिया आज तो पराठा। चलो शरूज बेटा आओ नाश्ता करो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अम्मी के बगैर नाश्ता करना पसंद नहीं है। वो यहाँ पे नहीं आ सकती, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्हें कमरे में अकेला छोड़ दिया। शरूज तुमको ये कब एहसास होगा कि तुम्हारी वालदा की हालत का जिम्मेदार मैं नहीं? जिम्मेदार तो आप ही हैं बाप सर, मैं यहाँ पे नहीं था, आप मुल्क से बाहर गए हुए थे। जब मम्मी की तबीयत खराब हुई तो अकेली थी। अगर वक्त पे फर्स्ट एड मिल जाती तो जो सिचुएशन आज उनकी है वो ना होती। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा, अगर मुझे आपकी वालिदा की हालत का पता होता तो मैं उन्हें तनहा छोड़ता? वहाब साहब ये सफाइयां उन्हें दीजिएगा जो आपके जानते ना। बचपन से आज तक आपकी गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त करते आए हैं, हमेशा मैंने और अम्मी ने आपका इंतजार किया। आपने कब अपने होने का एहसास दिलाया हमें? कब आप हमारे साथ किसी इवेंट पे गए हो या फिर आपने इंतजार ना करवाया हो? चले अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट ही बता दें हमें, या फिर वो दिन बता दें जिस दिन मुझे स्पोर्ट्स पे फर्स्ट प्राइज मिला। चलें मुझे ये बता दें कि जब मेरी कॉलेज में लड़कों के साथ पहली दफा लड़ाई हुई थी तो आप मेरी मदद के लिए आए थे या फिर आपने सपोर्ट किया मुझे? बेसिक बेटा, मैं मानता हूँ तुम दोनों को बहुत नजरअंदाज किया मैंने, मगर ये सब कुछ मैंने किस लिए भी किया? तुम दोनों के लिए। जिंदगी में कमाई तो करनी पड़ती है। सही कह रहे हैं आप, जीने के लिए एम्पायर तो खड़ा करना पड़ता है, मगर हर कोई आपकी तरह अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करता। आपने आपने इस एम्पायर को खड़ा करने के चक्कर में हमें खुद से बहुत दूर कर दिया। दौलत कमाने के चक्कर में शायद आप ये भूल गए थे कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, एक बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और बदले में सिर्फ और सिर्फ आपसे थोड़ा सा वक्त चाहते थे बाप साहब। फिरोजमी मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तुम दोनों की उतनी ही जरूरत है जितनी तुम दोनों को मेरी। और ये बाप साहब ना कहा करो मुझे, बाप हूं मैं आप। पता नहीं मुझे एहसास क्यों नहीं होता कि आप मेरे बाप हैं। पता है क्यों? बचपन में जब लड़के छुपके सिगरेट पीते हैं ना तो उन्हें एक डर होता है, बाप की डांट डपट का एक खौफ होता है। मुझे तो कभी वो डर वो खौफ था ही नहीं, क्योंकि आप पास जो नहीं थे। मैं बर्बाद हूं या आबाद हूं आपको इससे क्या फर्क पड़ता? आप तो ठहरे एक बिजनेस टाइकॉन। मुझे बताओ किस तरह क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। हाँ माफी मांग लो, माफ कर दो। फॉरगेट इट पाप साहब, फॉरगेट इट। मेरा नाश्ता अम्मी के कमरे में लगा देना, मैं फ्रेश होके वहीं भी करूंगा। नाश्ता कब आएगा? मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। ये कौसर ना बहुत सुस्त होती जा रही है, जाओ तुम देखो कहां मर गई है ये। सॉरी मामा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं नौकरों के आगे पीछे घूमूं। अरे भाभी सदफ को क्यों तकलीफ दे रही, मैं देख। हाँ जरा देख लो, बेचारी को देर हो रही है जी। हाँ सुनो ये बताओ कि दोनों लड़के जो अभी तक उठे क्यों नहीं है, सो क्यों रहे, नाश्ते भी क्यों नहीं है? वो असल में आपको तो पता ही है, सुबह सुबह उठा दो तो जान निकल जाती है आपके बेटे की।
कोई ठीक बात तो नहीं है ना, मतलब मैच्योर हो जाना चाहिए हुज़ैफ़ा को। कितनी मुश्किलों से उसे ग्रेजुएशन किया है, वो भी रिश्वत दे के। मैंने पैसे दिए, इसके पर्चे आउट करवाए हैं, तब जाके उसने ग्रेजुएशन किया है। नौकरी कर लेनी चाहिए, और अगर नौकरी नहीं करना चाहता तो हमारा बिजनेस संभाले, तब कुछ तो करे ना यार। ये वक्त है इन सब बातों का। शुजात, वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, अब घर के लड़कों को बिजनेस संभालना चाहिए ना। अब तुम दोनों कब तक ये बोझ उठाओगे? वैसे हमारा सुफियान जो है ना, बस उसका तो फाइनल सेमेस्टर है, यहाँ उसकी पढ़ाई खत्म और यहाँ उसने बिजनेस संभाला। ये जो सुफियान है वैसे तो बिजनेस के लिए तैयार है, ये सुबह नाश्ते के लिए क्यों नहीं तैयार? वो रात को अपने दोस्तों के साथ देर तक पढ़ाई कर रहा था, घर भी देर से आया था, इसलिए सुबह सुबह उसे उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगता है मुझे नाश्ता के बगैर जाना चाहिए। नहीं बेटा, तुम कैसे भूखी प्यासी जाओगी? रुको मैं देखती हूँ। कौसर, कौसर आ भी जाओ। आप जी बेगम साहिबा आई। क्या भूल गई थी कि नाश्ता लगाना है? आज छोटी बेगम साहिबा ने कुछ अलग मेन्यू बनाने को कहा था, तो तैयारी करने में बेगम साहिबा देर हो गई। ये सब तो मैं नहीं खाती हूँ। ये पूरियां और ये क्या है? पराठे। इतना हैवी खाना सुबह सुबह कौन खाता है ये सब कुछ? भाभी मैं नहीं खाता, मैंने सोचा कुछ सुबह सुबह डिफरेंट हो जाएगा जरा। तो मेहनाज, तुम्हें पता है मेरी बेटी नहीं खाती। अरे सदफ, कुछ तो खाती जाओ बेटा। नहीं, मैं वैसे ही लेट हो गई। मेहनाज, तुम्हें तो पता है ना मेरी बेटी का। खैर बुरा मत मनाना, लेकिन मेरी बेटी ये सब कुछ नहीं खाती। मुझे भी ये सब कुछ हजम नहीं होगा, लेकिन खैर तुमने इतनी मोहब्बत से बनवाया है, तुम लोग सब खाओ। अरे आप कहाँ चली, नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, आप लोग खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। क्या नाश, तुम्हें भाभी और सदफ की पसंद का अंदाजा अभी तक नहीं? I'm sorry, मैं भाभी से माफी मांग लूंगी। मैंने तो सोचा बस कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, इस तरह उठ के जाना उसका महसूस ना करना, तुम लोग करो नाश्ता। अरे नहीं भाई साहब, महसूस क्या करना, सब अपने ही लाइए खाना नहीं। अच्छा भाई जाओ, तुम जाके इनके पसंद का कोई नाश्ता बनाओ, जाओ। जी साहब जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। जस्ट जी तेरा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नैपकिंस? वो मैं भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। बाल कितने बिखरे हुए हैं आपके? शायद बनाई नहीं अभी तक। मैं भूला नहीं हूँ, कितना अपडेट रखती थी आप खुद को। अब कहाँ है वो जमाना बेटे, बेटर नाउ? ठीक है। एक्सीडेंट। सर वो नैपकिन वॉश होने के लिए गए। आइंदे से हर चीज अपनी जगह पे मिलनी चाहिए मुझे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लास्ट मोमेंट की भागदौड़। जी सर। थैंक यू। ठीक। लास्ट टाइम रूम में सफाई कब हुई थी? शायद कल ही। शायद। यकीनन शायद कल ही। शायद, यकीनन। आपको अम्मी के कमरे में अम्मी की खिदमत के लिए रखा है, और मुझे तो लग रहा है कि आप खुद अनजान हैं इस कमरे से। अम्मी के बाल देखे आपके? शहरोज। बताने दे अम्मी, मैंने आपकी देखभाल के लिए रखे है, मुझे अच्छे से नजर आ रहा है कितनी अच्छी देखभाल कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे आपको ना बताना पड़ेगा कि आपकी क्या ड्यूटीज है, आपको अच्छी तरह से खुद पता होना चाहिए। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। चलो बस कर दो बेटे।
इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना तो उसको एहसास दिलाना पड़ता है। ये ले। आप जाओ बेटे। थैंक यू। बाबा के साथ नाश्ता कर लेते? नहीं, मुझे आपके साथ करना था। फिर देर हो जाती है ना तुम्हें रोज ऑफिस से। कोई बात नहीं, ऑफिस आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। क्या जरूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? दिल ही रख लेती मैं नाज का। आपने नहीं देखा मैं नाज को कैसे अपनी मनमानी करने लगी है? इसमें मनमानी की बात कहां से आ गई? सारी जिंदगी मैंने यही देखा है कि इस घर में आपकी अपनी मर्जी चली है। अगर एक दिन उसने अपनी मर्जी का ब्रेकफास्ट बना लिया तो कौन सी कयामत आ गई थी कि आप भी उठ के आ गई और बेटी साहिबा भी उठ के चल दी? तो हम क्या करते? आप नहीं समझेंगे, कई दिनों से देख रही हूं मैं महनाज को, हर मामले में अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रही है। वो शर्मिंदा बैठी थी, माफी मांग रही थी। आप ही हैं जो बात का बतंगड़ बना रही हैं। हाँ हाँ, आपको तो मेरी ही बातें बतंगड़ लगेंगी, सिर्फ आपके और शुजात के सामने कह दिया होगा नंबर बढ़ाने के लिए, वरना मैं नहीं जानती महनाज को। आप ही हैं बहुत भोले, इन औरतों की सियासत को नहीं समझते आप। ज़ैनब, मैं समझना भी नहीं चाहता किसी की सियासत। कितनी दफा कहा मैंने आपसे कि सब कुछ अपने नाम करवाएं और सबको फारिग करें, लेकिन मेरी किसी बात का असर नहीं होता आप पे। कल को जब ज़ैनब जायदाद में से हिस्सा मांगने के लिए आएगी तो फिर देते फिरिएगा। ज़ैनब ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर जायदाद में हिस्सा लेना होता ना उसे, तो उसी वक्त लेती जब अब्बा जान भी देना चाहते थे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि जो कुछ है मेरे भाइयों को दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फुरकान भी बहुत गैरतमंदी दिखाई है उसने, अपना कारोबार तबाह कर लिया उसने, आसमान से जमीन पे आ गया वो, लेकिन एक रुपया तक नहीं मांगा कभी उसने। बस रहने दे अपनी बहन और बहनोई की तरफदारी करना। कल को ना यही बहन आपके बहनोई को लेकर आ जाएगी अपना हक मांगने, फिर बैठ के रोइएगा, फिर आपको ना मेरी दूरअंदेशी समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं करने वाली ज़ैनब। हाँ, आप तो अपनी बहन की हिमायत करेंगे, आपका खून जो है, लेकिन एक बात मेरी अच्छे से सुन लें, ये जो आपकी बहन इतनी मासूम और सादा नजर आती है ना, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। सारी जिंदगी फकीरी का रोना रोती रही, और जब बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने की बात आई तो कहां दिलवाया? हमारी बेटी की यूनिवर्सिटी में, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में, और कोई पूछने वाला नहीं है। भला पूछे कोई तुम्हारे मियाँ की कमाई है कितनी, जो सारे घर का खर्चा भी चल रहा है और यूनिवर्सिटी की इतनी महंगी फीसें भी जमा हो रही हैं। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में रेंट की गाड़ी चलाता है वो। हर माँ बाप यही करते हैं, अपना पेट काटते हैं लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं। थोड़ा कमाता है लेकिन इज्जत से कमाता है ना, और उसकी बेटी पढ़ाई में भी अच्छी है। तुम्हें इतराज किस बात पे है मुझे ये बता दो जरा। तुम्हें उष्णा के महंगे कॉलेज पे पढ़ने पे या फिर ज़ैनब की हैसियत पे किस पे इतराज है? मुझे क्यों एतराज होगा, कौन होती हूँ मैं एतराज करने वाली? जो दिल चाहे आपके बहनोई और बहन करते रहे। कल को मेरी बात सच साबित हुई ना तो आप ही सर पकड़ के बैठे हुए होंगे, रो रहे होंगे। तब की तब देखी जाएगी। मेरी बात तो आपकी समझ में आनी नहीं है। बड़े साहब फूल ही लीजिए, बड़े साहब फूल ही लीजिए, बड़े साहब ताजा फूल है बड़े साहब, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देगा बड़े साहब। यार देख लीजिए, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फूल खरीदने वाले लग रहा हूँ, जाओ यहाँ से। बेटा सुनो, ये फूल मुझे चाहिए। थैंक यू। बाबा, कभी कभी मैं सोचती हूँ ये चार पैसे आने के बाद इंसान इतना बदल क्यों जाता है, खुद को क्यों जमीनी खुदा समझने लगता है। इनकी नजर में आम इंसान की तो कोई औकात ही नहीं रहती। बस बेटा, अल्लाह इन सबको नेक हिदायत दे। सारी उम्र आपने काम की मसरूफियत की वजह से मेरी माँ को इग्नोर करते हुए, आज आपकी नर्सिंग स्टाफ मेरी माँ को एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रही है।
सितमगर ये कुर्बत क्या करे। भाभी की हरकत देखिए आप, सबके सामने बल्कि भाई साहब के सामने कैसे मुझे जलील कर दिया उन्होंने। तुम्हारी भी तो गलती थी ना। खैर है, तुमने कहा था कि माफी मांगूंगी, मांग लेना माफी। अरे मैं क्यों माफी मांगूंगी, वो तो मैंने बस भाई साहब के सामने ऐसे ही बोल दिया था। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, तो मैंने तुम्हें समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। सब समझती हूँ, इस घर पे ना भाभी की हुकूमत चलती है, उनकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक दिन मैंने अपनी मर्जी क्या कर ली, कयामत ही आ गई इस घर में तो। और आप बजाय मेरा साथ देने के उल्टा भाई साहब के सामने मुझे ही समझाना शुरू हो गए, अजीब बात है। और क्या जरूरत थी आपको अपने बेटे की बुराइयां करने की, क्या जरूरत थी सबको बताने की कि पैसे दे के पर्चा क्लियर कराया। हद होती है, लोगों को देखा है चोर डाकू औलादों के लिए भी ना तारीफें ऐसी करते हैं कि जमीन आसमान एक करते हैं, और एक आप है सबके सामने अपने बच्चे की बुराइयां कर रहे हैं, हद हो गई। किसने तुम्हारे बेटे की बुराई कर दी, सब घर के लोग थे और भाई साहब और भाभी, ये लोग कब से गैर हो गए। बस बस कर दीजिए, देखा नहीं आपने शायद भाभी को। आपको पता है सुफियान पूरी रात पार्टी करके आया, आवारा गर्दी कर रहा था वो, मगर उन्होंने उसकी अय्याशी को कैसे कंबाइंड स्टडीज में तब्दील कर दिया। कुछ सीख ले भाभी से, ऐसे होते हैं माँ बाप, आपको तो अपने बच्ची की बुराइयां से फुर्सत ही नहीं। मुझे एक बात का अंदाजा नहीं होता कि तुम्हारे अंदर से ये तेरा मेरा करने की आदत कब जाएगी। अब अगर तुम्हारे दिल की भड़ास निकल चुकी हो तो मैं जाऊं ऑफिस। जाए जाए। लो भैया आ गया तुम्हारा कॉलेज। थैंक यू बाबा, हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटी ड्राइवर की जिम्मेदारी, और एक इनके अब्बा हुजूर हैं जो इनकी नखरे उठाते ही नहीं थकते। बाबा वापसी पे जल्दी पिक कर लीजिएगा, वरना कल की तरह आपकी मामा से फिर क्लास होगी। तुम्हारी मामा को लगता है कि उस्तानी बनने का ज्यादा शौक था, क्योंकि वो शौक पूरा नहीं हुआ तो वो सारी कसर हम दोनों की क्लास लेकर पूरी कर लेती हैं। मम्मा के मुतालिक ऐसी बातें, आपकी मुखबरी भी हो सकती है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि आप पापा की बेटी हैं। इसी बात पे ये आपके लिए। ओह शुक्रिया। ओके पापा, खुदा हाफिज। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है। मैं ठीक हूँ पापा जी, आप कैसे। बस फर्स्ट क्लास। ये अच्छी नौकरी है, अपनी ही बेटी की ड्राइवरी करते हैं सबसे पहले। देखो बेटा, आजकल के जमाने को देखते हुए एक बाप के लिए बेटी का ड्राइवर बनना बायस सुकून है। कम से कम उष्णा की माँ को और तुम्हारी पप्पो को फिक्र तो नहीं होती ना देर सवेर की। मेरे वालदैन को भी मेरी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि अपनी बेटी पे भरोसा रहना था। भरोसा सब वालदैन को होता है, मगर माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चियों की फिक्र रहती है। अरे पापा जी, ये तो मिडिल क्लास रूम के ख्याल आते हैं ना, मगर कोई बात नहीं, आपको उष्णा का ड्राइवर बनना है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। बाबा आप अभी तक गए नहीं, आप जाए ना, आपको देर हो रही होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा सदत बेटा, देखो शुजात और रफाकत भाई को मेरी तरफ से सलाम जरूर दें। मैं कबूतरी हूँ जो पैगाम इधर से उधर करूँ। मसला है तुम्हें। मसला ये है कि अंकल तो रेंट की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदाज इतने शहाने हैं जैसे तुम उस गाड़ी की मालिक हो। तो मैंने कभी इस बात का दावा भी नहीं किया। चलो नहीं भी क्या हुआ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदाज से तो ऐसे लगता है जैसे किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो। अल्लाह ने असल में कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है कि वो ताक में भी सज जाते हैं, जैसे कि हमारी उष्णा। तुम्हें बोलना जरूरी है। बिल्कुल, इकलौती दोस्त हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा। तुम
बैठने के लिए नहीं कहोगे? Have a seat. Thank you. टेंडर के लिए बहुत बहुत मुबारक. Thanks. लेकिन वो तो मिलना ही था. मिलता कैसे ना? अपने काम के मामले में इतने पैशनेट रहो. पहले यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ के और फिर इस ऑफिस में काम करके यकीन करो इतना कुछ सीखने को मिला तुमसे कि मैं बता नहीं सकती. टी और कॉफी? कॉफी. लेकिन इस कमरे में पीने के बजाय कहीं बाहर जाके ना पिए. कभी मुझे भी फील होने दिया करो. मेरे बॉस होने से पहले बहुत अच्छे दोस्त रहे हो मेरे. चलो चलो, आज तुम्हें भी फील करवा देता हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. Really? मुझे पहले पता होता इतनी जल्दी मान जाओगे तो कुछ और मांग लेती. चले. Let's go. अपना देखो जल्दी से. फिफ्थ पोजीशन. पास तो हो गई ना. कॉन्ग्रेचुलेशन. एक सेकेंड. बहुत मुबारक हो मेरी जान. हमेशा की तरह टॉप. थैंक यू. सवेरा रुको. देखो अभी तुम कोई हरकत नहीं. सवेरा सादा. हाँ भाई, फिर क्या बना रिजल्ट का? लिस्ट लगी तो है, जाके देखो. क्यों, कहीं फेल तो नहीं हो गई? झूठे बकवास की ना जबान खींचने बोलने के लायक नहीं होगी. अच्छा, क्या जरूरत है तुम्हें उसे ऐसा कुछ कहने की? क्या फर्क पड़ता है? और वो जो तुम्हारे हर वक्त पीछे पड़ी रहती है. तुम भी ना कभी बाज नहीं आओगी. इससे अच्छा मौका मिल सकता था उसको नीचा दिखाने का. लेट्स गो. मामा, मेरे नाश्ता बनवा दें. मेरे लिए टोस्ट बनवाइएगा. क्या ऑन कर दिया सुबह सुबह? बंद करो उसको. क्या है, आप जाके नाश्ते का बोले. ये कोई वक्त है नाश्ते का? 12 बज रहे दोपहर के. तो आज जल्दी उठ गया हूँ ना, बजाय अप्रिशिएट करने की आप बातें सुना रही हैं. क्यों नहीं सुनाऊं बातें? तुम्हें पता है आज डाइनिंग टेबल पर सुबह सुबह नाश्ते पर भाभी बेगम ने क्या कहा? क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि जैसे ही सुफियान की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी वो ऑफिस संभालने लगेगा. और एक तुम हो, तुम्हें ऑफिस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. सुफियान को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे अपनी आयशु से फुर्सत हो तब ना. मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस जाके बैठना शुरू कर दो. पता है जो घर के मर्द ऑफिस जाते हैं ना, उनके घर में बड़ी पावर होती है. क्या सुबह सुबह बहुत टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया. आपने नाश्ता नहीं देना तो मत दे, मैं जा रहा हूँ. अरे मेरी बात तो सुनो जैफा. ये लड़का सुनता ही नहीं. देखो बेटा, तो मेरी बात मान लो और ऑफिस जाना शुरू करो ना, इससे पहले उज़ैफा बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगे. तुम जाना शुरू कर दो. सब हो जाएगा मामा, शुरू कर दूंगा जाना. लगता आज का दिन ही खराब है. क्या हो गया बेटा, क्यों मूड ऑफ है? यकीनन फिर से रिजल्ट बुरा होगा, है ना? आप तो ऐसे ही कहेंगे ना भाई. अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पढ़ लिया करो ना थोड़ा. इतना तो पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आजकल रिजल्ट भी ना शक्ल देख के आता है. हर दफा वो उष्णा टॉप कर जाती है. हाँ तो वो भी अपनी माँ की तरह किताबी कीड़ा होगी. ज़ैनब भी ना बिल्कुल ऐसी ही थी. उसका रिजल्ट देख के ना मेरा दिल जलता है. देखो अब उसको तो पढ़ाई करने से रोक नहीं सकते. आई थिंक तुम भी पढ़ना शुरू कर दो. हाय प्लीज, मजीद उसकी तारीफ करके ना मेरा दिन मत खराब है. आपको पता है लोग क्या कहते हैं मेरे पास आके? कहते तुम्हारी जो कजन है ना, पता है हर सेमेस्टर में टॉप करती है. हाँ तो बेटा, अपना मूड खराब करने से तुम्हारा रिजल्ट क्या बदल जाएगा? कोई फायदा नहीं इन किताबों का. मैं अपने रूम में जा रही हूँ और खबरदार किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो. माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू मामा. मामा,
ये बताएं ना, ये बैंगल्स पहन लूं? हाँ हाँ पहनो ना। ये बताओ मुझे कि तुम्हारी टॉप करने की खुशी में तुम दोनों बाप बेटी ने जो प्लान बनाया है वो कहाँ जाने का है, मुझे क्यों तैयार कराया है? ये तो सरप्राइज है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बाबा बताएंगे कि जाना कहाँ है। एक दूसरे को तुम लोग सरप्राइजेस देते रहो और मुझे कंफ्यूज करते रहो। फोन तो करो, कहाँ रह गए हैं, देर हो रही है। अच्छा मैं उन्हें कॉल करती, लगता है बाबा आ गए। जाओ जाओ देखो, दरवाजा खोलो। आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप प्लीज अंदर आए ना प्लीज। लुकिंग गॉर्जियस। ये फूल तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन अब इन फूलों की खूबसूरती तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। वो मामा अंदर हैं, प्लीज कम इन, आए ना। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? अरे सुफियान क्या हाल है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये क्या है भाई? खबर मिली थी कि उष्णा ने एक बार फिर सेमेस्टर में टॉप किया है, तो उसको विश करने चला है। तुम आ गए, उससे बड़ी बात क्या होगी, इसकी क्या जरूरत है? अपनों की खुशी में तो खुशी होती है, अपना समझ के ला। और फिर इसने इतनी मेहनत की है, इनाम तो बनता है। ये तो है, कंग्रेचुलेशंस। अरे ले लो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू, चाय नहीं पिलाओगी? अभी लाती हूँ। आओ अंदर बैठ। आज घर पे सब कैसे हैं, भाई भाभी? बैठो। सब बिल्कुल ठीक ठाक। आई थिंक मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप लोग कहीं जा रहे थे बाहर? नहीं नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ये इसकी टॉप करने की खुशी में फरकान सेलिब्रेट करने के लिए कहीं लेकर जा रहे थे, खुद नहीं आए। इस कदर ट्रैफिक है बाहर, लेकिन फिर भी आप कॉल करके पता कर लें। हाँ हाँ मैं कॉल करती हूँ। भाई जल्दी से इसको चाय पिलाओ। ये फूल तुम्हारे लिए लाए, फूल तुम्हारे लिए लाए, फूल तुम्हारे लिए लाए, लेकिन इन फूलों की खूबसूरती तो तुम्हारे सामने कुछ भी, तो तुम्हारे सामने। जब जब तुम कामयाब होती हो ना, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ तुम्हारी कामयाबी नहीं, मेरी भी कामयाबी। चाहे मैं जितना भी बिजी हूं, लेकिन जब तक तुम लोगों से यहां के मिलना नहीं ना, मुझे बेचैनी सी रहती है। मुझे सईदा पानी पिला दो बेटे जरा। थैंक यू बेटे। सईदा कहाँ? नहीं किसी काम गई है आती होगी। दवा लिया आपने? अभी आके देगी। ये मेडिसिन कौन लाया? सईदा से ही मंगवाते हैं आपके पापा। सईदा क्या हुआ बेटे?
सईदा आती होगी अभी, एनीथिंग रॉन्ग? जी सर। ये मेडिसिंस तुम लाई हो? जी मैं लाई थी, बड़े सर ने कहा था। क्या हुआ, खैरियत तो है? अगर आपसे और आपके नर्सिंग स्टाफ से मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा जाता तो आप मुझे बता दें, मैं ख्याल रख लूंगा। ए, बताओ तो सही क्या हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हो तुम? मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ? क्या आप लोगों ने मेरी माँ को मारने का प्लान बनाया हुआ है? कोश तो पहले बन गई ना आपके ऊपर। शहरोज एक मिनट, सारी उम्र आपने काम की मसरूफियत की वजह से मेरी माँ को इग्नोर करते हैं और आज आपकी नर्सिंग स्टाफ मेरी माँ को एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रही है। क्या बात कर रहे हो तुम, क्या सही कह रहे हो? सर ध्यान नहीं रहा, पता नहीं नर्सिंग स्टाफ और इतनी लापरवाही। बेटा देखिए लेके आनी चाहिए थी ना। तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। क्या आपसे मैं बाद में बात करता हूँ, निकलो यहाँ से। और आप, आज के बाद आपसे या आपके किसी भी स्टाफ से अम्मी से रिलेटेड कोई भी लापरवाही बरती गई ना तो आई विल कॉल द पुलिस। लेकिन फरकान फोन ही नहीं उठा रहे हैं भाई, ये क्या तरीका है? वो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई हो। हाँ तो बता तो दे फोन करके कि नहीं आ रहे हैं। मामा हौसला रखें, मैं कॉल करती हूँ बाबा। तरीका नहीं है भैया। बाबा बाबा कहाँ हैं आप? हम आपको कितनी कॉल्स करें, आपको कुछ पता ही नहीं है का? आपके पापा गाड़ी में बेहोश हो गए थे, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल? कौन है हॉस्पिटल में, क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में आप बताएं, हम अभी आ रहे हैं। ओके कौन है अस्पताल में, जल्दी बताओ। मम्मा किसी आदमी की कॉल थी, वो कह रहे थे कि बाबा गाड़ी में बेहोश हो गए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बेहोश? वो प्लीज आप खुद को संभालें, आई थिंक हमें फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए। चले आ जाएं मम्मा, प्लीज चले। सितम कर ये कुर्बत क्या करें।